ये रिश्ता क्या कहलाता है, इस सीरियल से घर घर में पहुंचे नैतिक यानी कि करण मेहरा। इन्होंने अपनी पत्नी निशा पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है। करण मेहरा पिछले साल अपनी पत्नी संग घरेलू हिंसा के आरोप के बाद सुर्खियों में छाए हुए हैं। निशा ने करण पर मारने पीटने के आरोप लगाए थे, जिसके बाद करण को जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। अब इन दोनों के रिश्ते इतने खराब हो चुके हैं कि ये मीडिया को बुलाकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। हाल ही में करण ने रोते हुए कहा था कि उनकी पत्नी निशा उनके बेटे से मिलने नहीं देती और किसी गैर मर्द के साथ उनके ही घर में रह रही है। अब करण ने इस गैर मर्द का नाम भी उजागर कर दिया है, जिसे सुनकर आप भी शॉक रह जाएंगे। अभी हाल ही में करण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा निशा के बारे में बहुत ही चौंका देने वाले खुलासे किए हैं। करण ने बताया कि उनकी पत्नी निशा का अफेयर उनके मुंह बोले भाई के साथ है, जिसका नाम रोहित शेटिया है, जिसे निशा अपना मुंह बोला भाई कहती थी। करण ने कहा कि कितनी बार निशा ने मेरे सामने ही रोहित को राखी बांधी है, वो उसे अपना भाई मानती थी, पर अब निशा के उसके साथ ही नाजायज संबंध है। और इतना ही नहीं, निशा और रोहित करण के ही घर में रहते हैं। आगे करण ने कहा कि बस इतना ही नहीं, उसके मुंह बोले भाई ने हमारे शादी में निशा का कन्यादान भी किया था, उसने खुद मुझे कहा ये। और उसके बाद करण ने कहा कि ये सब कुछ मुझे पिछले साल ही पता चल गया, तब मैं कुछ इसके बारे में कहता तो लोग मुझ पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते। ये सारे सबूत इकट्ठा करने में मुझे पूरे 14 महीने लगे। इतने साल मैंने लोगों से बातें की, सारे सबूत इकट्ठा किए, कुछ बातें दोस्तों ने बताई, कुछ किसी और ने, और ये सब कुछ मेरे बेटे के सामने हो रहा है। करण ने ये भी याद दिलाया था कि निशा ने कंगना रनौत का शो लॉकअप में ये कहा था कि उनका शादी के बाद भी अफेयर रह चुका है। अगर उस वक्त मैं लोगों को ये सब कुछ बताता तो कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं करता, उल्टा मुझ पर इल्जाम लगाते सब। अब ये सब कुछ मैं सबूत के साथ कह सकता हूँ कि निशा रोहन के साथ रहती है और वो खुद भाई बहन का रिश्ता भी बताती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि करण मेहरा ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है। सिर्फ करण को ही नहीं ये धमकी मिल रही, उनके भाई को, उनके माँ को, उनके सारे परिवार वालों को ये धमकी मिल रही है। ये धमकी करण मेहरा को एक अज्ञात नंबर से आ रही है। फिलहाल फ्रेंड्स, करण मेहरा के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और भी ज्यादा ऐसे अपडेट के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।